सुबह हम नहा धो के मुंह में पानी पिए चाहे ना पिए, बस के लिए दौड़ लगाते हैं और फिर जो है 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। नाव इस पार है तो उसका इंतजार करेंगे धूप में 2-3 घंटा बैठ के, जब वो आएगी तो फिर इस पार आएंगे, फिर 3 किलोमीटर पैदल चल के हम अपने विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे 2 बज जाते हैं विद्यालय में। जरा इस महिला शिक्षक का हौसला तो देखिए, उफनती हुई घाघरा की लहरों को मात देती है, सुनसान पगडंडियों से बेधड़क गुजरती है, जंगल खेत खलिहान को पार कर रोजाना वो अपने स्कूल पहुंचती है, जहां उसका इंतजार करते हैं 200 से ज्यादा बच्चे। पिछले 7 सालों से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, वो शिक्षा की अलग जगाने निकली है। 24 घंटे हम विद्यालय में रहते हैं, कोई भी बच्चा शाम को पढ़ना चाहे मुझसे आके पढ़ लेते हैं, दोपहर में भी आए, मैं 24 घंटा यहाँ हूँ। CCATM हम अगर सोमवार को स्कूल खोलना है तो हम जो इतवार को चल देते हैं और उसके बाद जो है शनिवार को यहाँ रुकते हैं, शनिवार को फिर पढ़ा के हम निकलते हैं, रात को 11 बज जाता है 12 बज जाता है घर पहुँचने में, फिर एक दिन बच्चों के साथ गुजारते हैं, फिर दूसरे दिन फिर मेरा यही रूट है।